आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आज का विषय है हिजाब, जिहाद, विवाद या फिर संवाद। आजकल देश में हिजाब का विवाद काफी हो रहा है, आपको पता होगा ना। और मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। और मित्रों, आइए समझते हैं कि हिजाब का विवाद ये है क्या। मैं स्वामी धर्मदास उदासी नाम सबका धर्मबोध में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिजाब है क्या, ये क्यों है, ये क्यों आवश्यक है, ये क्या हिस्सा है दीन का, ये क्या हिस्सा है इस्लाम का, या फिर यह एक जिहाद का छोटा सा तरीका है, छोटा सा है यह प्रयोग। यह विवाद अभी इस समय हो रहा है क्यों, जबकि यूपी सहित 5 राज्यों में हो रहे हैं चुनाव। चुनाव के समय में इस विवाद को उठाना, बढ़ाना और फैलाना, ये क्या है, यह वोट बैंक की राजनीति है क्या, खास वर्ग के वोटरों को संदेश देना है क्या, कोई मैसेज देना है क्या, या फिर समान नागरिक संहिता के लिए एक संवाद को समूचे देश में फैलाना है क्या। समान नागरिक संहिता आवश्यक है और इस बात पर संवाद करने के लिए, बहस करने के लिए, डिबेट के लिए माहौल बनाना है क्या। दोस्तों, हिजाब यह दीन का हिस्सा नहीं है, मजहब का हिस्सा नहीं है, यह तो सामाजिक एक रीति रिवाज है। और इससे दीन का हिस्सा बताकर, इस्लाम का हिस्सा बताकर इसके पक्ष में माहौल क्रिएट किया जा रहा है। आप देखते होंगे कि तो बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं हिजाब नहीं लगाती, हिजाब नहीं पहनती, आप अपने आसपास भी ये देख लीजिए। तो यदि यह दीन का, इस्लाम का हिस्सा होता तो 100% महिलाएं हिजाब पहनती, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर ये एक आम सामाजिक रीति रिवाज को कुछ खास वर्गों में है बस, और यह जिहाद का एक छोटा सा है तरीका भी, ये है छोटा सा प्रयोग भी। समूचे देश में इस्लाम को फैलाने, इस्लामिक राष्ट्र बनाने और इस्लामिक विचार को, रीति रिवाज को थोपने का आरंभ से ही होता रहा है प्रयास। आप देखिए सिनेमा, टीवी, सीरियल वगैरह में क्या होता है, में जानबूझकर ऐसे सीन डाले जाते हैं जो कि इस्लाम की बड़ाई करते हैं, इस्लाम के पक्ष में माहौल बनाते हैं, इस्लाम को महान बताते हैं। जानबूझकर ऐसे सीन, दृश्य उसमें डाले जाते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसे तब भी डाला जाता है। दोस्तों, अभी समय है चुनाव का। आज यूपी में पहले चरण का चुनाव हो गया संपन्न और हिजाब का विवाद इतना फैलाया जा रहा है कि मुस्लिम महिलाओं को संदेश मिले, मैसेज मिले कि ये भाजपा वाले तुम्हारी संस्कृति का, तुम्हारी लाज का सम्मान नहीं करते।
और इसका कारण था ये कि तीन तलाक वाला कानून बन जाने से बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं भाजपा को वोट देने लगी थी, तो उन महिलाओं को ये मैसेज भेजा जा रहा है हिजाब विवाद के द्वारा कि बहने रुक जाओ, आप गलत जगह पर बटन दबा रही हो। हाँ, ये राजनीति है, ये वोट बैंक की राजनीति है। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये तो समान नागरिक संहिता बिल सरकार लाने जा रही है और इसके लिए माहौल बनाया जा रहा है, इसके लिए संवाद करने का बहाना मिलना चाहिए सरकार को, इसलिए सरकार यह विवाद बहस उठा रही है। लेकिन इसमें मुझे सच्चाई नहीं दिखती है। सच्चाई तो ये है कि अभी जो चुनाव का माहौल है, इसके लिए इस विवाद को इतना फैलाया जा रहा है। और आज कोर्ट ने इस पर की है टिप्पणी। कोर्ट ने कहा है कि फैसला आने तक हम शिक्षण संस्थानों को बंद नहीं रख सकते, इसलिए फैसला आने तक तब तक धार्मिक परिधान कोई भी पक्ष धारण करके स्कूल ना आए। फैसला आने तक धार्मिक वेशभूषा के साथ स्कूल में छात्रगण ना आए, यह कहा है आज कोर्ट ने। कोर्ट की यह टिप्पणी है स्वागत योग्य। और अब देखते हैं कि आता है फैसला क्या। लेकिन फैसला राष्ट्र हित में आना चाहिए, देश हित में होना चाहिए। दोस्तों, स्कूल जो है, स्कूल को आप सांप्रदायिक और मजहबी तालीम के लिए यूज ना करें। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो शिक्षण संस्थाओं को इससे अलग रखा जाए और निश्चित रूप से शिक्षण संस्थाओं में एक ड्रेस कोड होना चाहिए। और मेरा मानना है कि तो एक देश एक शिक्षा पद्धति और एक ही हो पूरे देश में सिलेबस और एक ही हो ड्रेस भी, यह हमारे देश के लिए अत्यंत आवश्यक है। वरना यदि सबको छूट मिलने लगेगा तो फिर हमारा स्कूल नहीं रह जाएगा, वह भी दीनी अखाड़ा हो जाएगा।